सोफिया, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे ना, जिसे हैंसन रोबोट कंपनी ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने तो सीधा सीधा यही कह दिया कि वो इंसानों का खात्मा ही कर देगी। आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। अब ये सब कुछ देखकर और सुनकर क्या लगता है कि AI रोबोट्स बनाकर क्या हम खुद ही मास एक्सटेंशन का प्लान बना रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एक ना एक दिन AI रोबोट्स इंसानों को ही मार देंगे? अब इसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे लिए ये थ्रेड आखिर है ही क्यों? वेल, इसका पहला रीजन है उनका डिसीजन मेकिंग पावर। AI बहुत ही बड़ा थ्रेड है, इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा थ्रेड, और इंसानों के बिना रोक टोक इसको डेवलप करना एक तरह से किसी मॉन्स्टर को पैदा करना जैसा ही तो है, क्योंकि AI डिवाइस बहुत ही तेजी से डिसीजन ले सकते हैं, इतनी तेजी से कि जहां हमारे न्यूयॉर्क सिर्फ 1000 ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वहीं पर एक AI डिवाइस ऑलमोस्ट मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड से प्रोसेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल, 2017 में गूगल का डीप माइंड AlphaGo नाम का एक AI रोबोट जिसने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर को चुटकियों में हरा दिया था, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये गेम डिसीजन मेकिंग पर बेस्ड है। तो इसलिए AlphaGo अलग अलग कॉम्बिनेशन की मदद से पहले ही ये पता लगा लेता था कि ओपोनेंट आखिर क्या मूव खेल सकता है और उसे अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब मान लो कि अगर कल को हम AI डिवाइस रिपोर्ट्स बना भी लेते हैं और वो गलती से हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाए, तो क्या कोई तरीका हमारे पास है जो हम उसे रोक सकें? क्योंकि वो तो हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखेगा ना अपने अगेंस्ट कोई भी चाल से, और तो अगर हम ही उसको एक मेजर थ्रेट लगने लगे तो फिर ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे ही न्यूक्लियर वेपन्स के सिस्टम को हैक करके हमारे ही अगेंस्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें तो रोबोट्स की कैपेबिलिटी का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए ह्यूमंस को 1000 साल से भी ज्यादा लग गए, वो एक एडवांस AI रोबोट कुछ ही दिनों में सीख लेता है और एग्जीक्यूट भी कर लेता है। यानी उसे न्यूक्लियर मिसाइल नहीं भी मिले तब भी वो अपने मल्टीपल कॉपीज बनाकर हमारे अगेंस्ट एक आर्मी खड़ी कर सकता है। वेल, अब आप बोलोगे कि भाई ये तो उस पर डिपेंड करता है ना कि हम उसको ट्रेन किस तरह करेंगे। अगर हम उसको अच्छे काम करने के लिए ट्रेन करेंगे तो वो अच्छा काम भी करेगा। भाई, अब इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि AI रोबोट मेजरली इंटरनेट से ही सारी चीजें सीख लेता है और फिर उस नॉलेज को इवॉल्व करता है, क्योंकि वो तो बना ही इस तरीके से है ना। फॉर एग्जाम्पल, 2018 में जब AlphaGo का इम्प्रूव वर्जन AlphaZero बनाया गया था, तो वो इतना स्मार्ट था कि किसी को भी किसी भी इंडोर गेम में बहुत ही आसानी से हरा सकता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि चेस जैसा इंटेलिजेंट गेम जो उसे आता तक नहीं था, वो भी उसने कुछ ही घंटों में इंटरनेट से सीख कर मास्टर भी कर लिया। अब आप ही सोचो कि आज इंटरनेट पर क्या कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग की बेसिक से लेके एवोल्यूशन हिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी और यहाँ तक कि बम बनाने की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। अब अगर इतना बड़ा इंटरनेट जहाँ पर इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, उसे हम AI रोबोट के हाथ में दे दें, तो क्या वो चंद घंटों में ही सब सीख के हम पर इम्प्लीमेंट नहीं कर लेगा? नहीं समझ आ रहा। वेल, हम अपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन नेचर की एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, मतलब जस्ट इमेजिन, ओके, इतने स्मार्ट हो कि फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ ग्रेजुएट करके निकले हो, और उसके बाद आपको एक ऐसे इंसान के अंदर काम करना पड़ जाए जो आपसे हर मायने में कम टैलेंटेड है, तो क्या आप उसके ऑर्डर्स मानना पसंद करोगे? नहीं ना। अगर आप शुरू शुरू में फॉलो कर भी लो, तब भी इवेंचुअली आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि भाई, मैं तो अपने बॉस का बॉस होना ज्यादा डिजर्व कर। तो अब यही चीज एग्जैक्टली मशीन्स और इंसानों के बीच में भी होने वाली है, क्योंकि एक AI रोबोट हर चीज में इंसानों से बहुत ज्यादा आगे आ चुका, इतना ज्यादा कि वो एक दिन में 10 PhDs भी कर सकता है, जबकि मैं और आप तो 20 से 25 सालों बाद भी एक PhD शायद कर पाए। लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि AI को बनाया ही इस तरह गया है कि वो उन चीजों को तेजी से सीखे, उन चीजों को इंसानों से बेहतर कर सके, और वो उस तरह काम करें कि उसे इंसानों की जरूरत ही ना पड़े कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ये बात रोबोट्स बहुत ही जल्दी रियलाइज कर लेंगे कि वो तो इंडिपेंडेंट है, तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। उनकी नजरों में हम ऐसी ही चीज होंगे जो उन पर बस हुक्म चलाते रहते हैं, और वो हमें डिजर्व भी नहीं करते, और यही देख के वो हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे। फिर तो यार वो दिन दूर नहीं जब इंटरनेट से सब कुछ सीख कर वो हम पर ही हुकूमत चला सकते, इंसानों को खत्म कर सकते। अब अगर आप ये भी नहीं मानते तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के टे AI रोबोट जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में टीनएजर्स के साथ ट्विटर पर चैट करने के
लिए रिलीज किया था। अब आप मानोगे नहीं कि कुछ ही घंटों में लोगों ने उसे एक रेसिस्ट बना दिया और उसने ये तक कह दिया कि हिटलर डिड नथिंग रॉन्ग, जिसे देखकर 16 घंटों के अंदर ही अंदर मजबूरन उसे ट्विटर से हटाना पड़ा। अब इस इंसिडेंट के बाद ये तो पता चल ही गया कि एआई टेक्नोलॉजी कितना इजीली कुछ भी इंटरनेट से सीख सकती है, फिर वो चाहे वो सही हो या गलत। Well, I know, इसके लिए आपका एक फुद्दू सा प्लान जरूर सामने आएगा। AI रोबोट को रोकने के लिए हम अपना इंटरनेट ही बर्बाद कर देंगे। अब मतलब कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। लेकिन नहीं, आपको नहीं लगता कि एड की वो रोबोट्स इतने एडवांस होंगे कि वो हम पर आकर हुक्म चलाने लगेंगे तो उनको यही नहीं पता चलेगा कि उन्हें तबाह करने के लिए हम हमारा ऐसा खुद्दू सा प्लान चलाएंगे। ऊपर से इंटरनेट पर डिपेंडेंट हमारी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इंटरनेट को बर्बाद करने से तबाह नहीं होगी, क्योंकि आज ज्यादातर ट्रांजेक्शन और कम्युनिकेशन जो होती है वो सब कुछ ऑनलाइन ही तो होती है। तो अगर इंटरनेट ही हट जाएगा तो ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन ही कट जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी पे फर्क तो पड़ेगा। तो फिर तो हम फ्यूचर की जगह पास्ट में ही चले जाएंगे। वेल, हम इस स्लोली स्लोली आते हुए थ्रेट की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, ये मानना गलत नहीं होगा कि ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके हाथ में मौजूद मॉडर्न वेपन नेगेटिव इंटरनेट किसी दिन इंसानों के खात्मे की वजह तो बन के ही रहे। और अगर हम इस एक्सटेंशन को किसी भी तरह से रोक लेते हैं तब भी जो करेंटली थ्रेड्स हैं वो तो रहेंगे ही। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बस अब कुछ ही फील्ड्स रह गई हैं जैसे कि एजुकेशन, हॉस्पिटेबिलिटी, बिजनेस, हेल्थ केयर, जिसमें मशीन से ज्यादा इंसान ही बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो फील्ड्स हैं जो ह्यूमन डायमेंशन जैसे कि चालाकी, एम्पैथी, कंपैरिजन, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, जिसमें अब तक मशीन्स मास्टर्स नहीं कर पाई हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए AI टेक्नोलॉजी को मात दे सकते हैं, या फिर हमें और कोई तौर तरीका करने की जरूरत पड़ेगी?